पीछे वो वाले पीछे सो गाइस आई एम असेंबल ठीक है हमारा सैन ब्लॉगर हमारा ब्लॉग चलते रहे हम लोग का दोस्ती बढ़ते रहे कश्मीर आई एम कमिंग लो पिचू है तो फिर मिलते हैं क्या बोल गए छोड़ो ब्लॉग देख मत तो ऑलराइट गाइस स्वागत है एक नए वीडियो में ठीक है तो आप लोग वीडियो का टाइटल थंबनेल देखे तो समझ चुके आज का वीडियो क्या होने वाला है तो अभी फिलहाल लक्ष्मी ग्रोवर आ गए स्टेज में तो ज्यादा बकबक नहीं करेंगे जल्दी से यहाँ से जाते हैं और जाके दिखाते हैं आप लोगों को क्या क्या होता है बहुत सारा मस्ती होने वाला है तो पूरा ब्लॉग जरूर देखना सो गाइस एक्चुअली हम लोग जस्ट कॉलेज के सामने और कितना मस्त करके सजा के रखे आप लोग जस्ट चेक करें भाई पूरा एकदम सजा के रखा है अच्छे से और उस साइड सनसेट भी हो रहा है और बहुत कुछ मतलब पेंटिंग वगैरह लगा के रखे है और बहुत मस्त सजा के रखा है तो गाइस एक्चुअली सबको पूछता है ठीक है करके एनर्जी कैसा लग रहा है कैसा एनर्जी है बहुत ज्यादा एनर्जी है तुम्हारा एनर्जी कैसा है तो बहुत ज्यादा मजा रहा है ठीक है हम लोग तो सबका एनर्जी देख लिए तो अभी फिलहाल यहाँ पर कुछ फोटो वगैरह खींच लेते हैं कितना मस्त लग रहा है उसके बाद जाएंगे जो मेन स्टेज में यहाँ पर प्रोग्राम वगैरह होगा वहाँ पर तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है असेंबल सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर फोटो वगैरह थोड़ा खींच ले ठीक है मतलब इसके सामने थंबनेल के लिए अरे सब लोग आप जा क्यों रहे हो सब एक साथ ब्लॉग पे तो रहेंगे ना तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है ठीक है आप लोग तो देख के समझ पा रहे होंगे सब लोग पूरा फुल एनर्जेटिक मोड पे कुछ बोलो यार एवेंजर्स असेंबल चलिए गाइस आओ हम लोग P1 ग्राउंड में चलते हैं अश्विन ग्रोवर से मिलने अश्विन आई एम कमिंग अरे वाह पिचू है सौरभ का तो एनर्जी फुल लेवल है सो गाइस अगर आप लोग इस वाले कॉलेज में या इसके जैसे और भी कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन वगैरह लेना चाहते हो लेकिन आप लोग का WBJEE और JEE मेन का रैंक अच्छा नहीं आया हो तो टेंशन करने का कोई बात नहीं ठीक है हर एक प्राइवेट कॉलेज में मतलब मैनेजमेंट कोटा के लिए अलग से सीट वगैरह रहता है अगर आप लोग को मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन वगैरह लेना है तो नीचे मेरा नंबर दिख रहा होगा या फिर मतलब आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उधर एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है उसको फिल कर सकते हैं तो उसको अगर फिल कर देंगे तो मैं खुद आप लोग से कॉन्टैक्ट कर लूँगा अगर आप लोग चाहते मेरे से कॉन्टैक्ट करना तो नीचे दिया हुआ नंबर पर कॉल्स कर सकते हैं मतलब आप लोग को कोई भी अगर एडमिशन रिलेटेड कोई भी कोई समस्या या फिर कोई दिक्कत हुआ तो मैं मतलब पूरा कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने के लिए तो गूगल फॉर्म जरूर फिल कर देना या फिर डायरेक्ट मिस्टर पर लेना है तो नीचे दिए नंबर पे कॉल कर देना ठीक है तो अभी आगे का वीडियो कंटिन्यू करते हैं सो गाइस यहाँ पर मतलब मेन स्टेज की तरफ जाने के पहले यहाँ पर एक गेट बना हुआ है कितना मस्त लग रहा है चेक करें भाई वहाँ पर सेकंड गेट और इसके जैसे सामने यहाँ पर ऐसा मस्त गेट बना के रखा है सो गाइस हम लोग मेन स्टेज के सामने आ गए ठीक है और भाई कितना मस्त लग रहा है चेक करें भाई अभी मतलब ज्यादा लोग नहीं आए खाली खाली है पूरा ग्राउंड लेकिन जब आएगा तब तो पूरा ग्राउंड ही भर जाएगा स्टेज तो बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहा है बहुत ही ज्यादा मस्त लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तो चेक करें कैसा लग रहा है स्टेज मेरे को पैसे उठाने तो टेक्निकली मेरे को बोलना चाहिए ना कि सर मैं क्या बिजनेस बना रहा हूँ कहाँ तक बना लिया आगे क्या बनाऊंगा मेरे हिसाब से 15-20% कम जा रहा नंबर ऑफ जॉब्स तरीके से बनाई गई कि लोगों को लगा कि मैं पार्ट हूँ उसका तो बहुत धीमी आवाज है ओए बड़ा पीछे हो जा ओए मोबाइल पीछे हो जा एक प्रोग्राम खत्म हो चुका है ठीक है फिलहाल लस्सी वगैरह पीने आया है सौरभ भी लस्सी है कैसा लगा अश्विन ग्रोवर का जो बात वगैरह किया था थोड़ा जोर से तो अभी फिलहाल यहाँ पर थोड़ा कुछ खाना पीना कर लेते हैं और थोड़ा कुछ पी लेते हैं उसके बाद जाएंगे फिर से डांस वगैरह है उसके बाद क्या है डांस का क्या है लास्ट में कोई बैंड आएगा ना
हाँ आलो आलो नाम का कोई बैंड है, वाला बैंड आएगा तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है? तो देखते आगे क्या होता है। तो गाइस अप्रैल लस्सी आ गया, ठीक है, पी लेते इसको, पी के टेस्ट करके बोलते कैसे लग रहा है। बहुत मस्त है, बहुत मस्त है, इसको एंजॉय कर लेते, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइस अप्रैल और एक दोस्त मिल गए, ठीक है, नाम क्या बोल तुम्हारा? माय नेम इज प्रेम प्रकाश भाई। अरे भाई इंग्लिश में नहीं, हिंदी में बोल। प्रेम प्रकाश भाई। तो कैसा लगा? शानदार सामने से चल के जा रहे थे और कुछ भाई लोगों से मिल गए, ठीक है। कौन सा डिपार्टमेंट तुम लोग का? मेरा इलेक्ट्रिकल। अच्छा, ये लोग वीडियो वगैरह देखते हैं और भी आप तुम भी वीडियो देखते हो क्या? कौन सा ब्रांच है? अच्छा हाँ बात हुआ था, कौन सा ब्रांच है तुम्हारा? कौन सा ब्रांच है? अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है। एंजॉय वगैरह करो, कैसा लग रहा है? फर्स्ट टाइम आए तो बहुत अच्छा, अच्छा बहुत अच्छा। इतना बड़ा कंपास है, घूम घूम के। अच्छा ठीक है, एंजॉय वगैरह करो, मैं भी जाता हूँ थोड़ा करते हैं, ठीक है, चलो बाय। सो गाइस कॉलेज के सामने आ गए, ठीक है, फोर फ्लोर के सामने, और कुछ ऐसा व्यू है अभी, बहुत ज़्यादा क्राउड है, पर बहुत ज़्यादा आप लोग जस्ट चेक कर पा रहे होंगे, और वो लोग मुझे बार बार सिर्फ छोड़ के जा रहा है। ठीक है, तो इससे पूछते हैं कि कैसा लग रहा है, ठीक है, कैसा बोल रहा है बवाल भाई, बवाल बहुत बवाल। इसे एक और चीज़ पूछे, इसको उनो खेलने आता है कि नहीं? सेशन था, बहुत ही शानदार था। आपको उनो खेलने आता है? उनो उनो बहुत बढ़िया, बहुत मस्त कंटेंट मिल गया है, इसको सब भी हो जाएगा। जो भी है बढ़िया लगा, ऑल द सेशन एनजाइटी का फ्रेश आके एंजॉय कीजिए, बहुत मजा आ रहा है। इतना दिन से आवाज नहीं आएगा, ठीक है, हमारा सैन ब्लॉगर, तुम्हारा ब्लॉग चलते रहे, हम लोग का दोस्ती बढ़ते रहे। चलो चलो भाई, फिर से मिलते हैं कुछ देर बाद, तो फिर मिलते हैं। क्या बोल गया, छोड़ो ब्लॉग जाए मौजूद। भाई क्या ही लग रहा है, सामने इतना सुंदर स्टेज, और यहाँ पर मतलब अभी फटाका वगैरह फूट रहा था, अभी बंद हो गया है, इतना मस्त लग रहा है, जस्ट चेक करें भाई, स्टेज तो बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है, अभी भी फटाका फूट रहा है, देखिए जस्ट सामने स्टेज और ऐसे ऐसे फटाका फूट रहा है भाई, बहुत मस्त लग रहा है। जस्ट स्टेज के सामने, स्टेज पूरा सामने, और मैं कौशम और सौरभ आके बैठ चुके हैं स्टेज के सामने, तो हम बैठते हैं अभी, इतना ज्यादा मरहम भी क्या ही बनाए हम, अरे वाह रे जिंदगी, क्या खूब दिखाया तूने देश को, अरे वाह रे जिंदगी। साउंड तो बहुत मस्त है भाई, साउंड बहुत मस्त, साउंड कैसा लगा तुमको? 10 फुट का तो स्पीकर है, बैंड का इंतजार है, बैंड स्टार्ट होने वाला है कुछ ही देरों में, ठीक है, अभी प्रिपरेशन वगैरह चल रहा है, पर कुछ ही देर में बैंड स्टार्ट होने वाला है। No.
आज के वीडियो में आप लोग को दिखाया कि हम लोग के कॉलेज में फेस्ट कैसे वगैरह होता है और रिवेरिया कैसे मनाया जाता है। और आप लोग को वीडियो का स्टार्टिंग में जो बोले थे एडमिशन के रिगार्डिंग जो बात वगैरह किए थे कि कैसे कैसे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन वगैरह होता है, मतलब मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, तो उसके लिए तो आप लोग को बोले नीचे गूगल फॉर्म है और मेरा नंबर अभी भी दिख रहा होगा आप लोगों को। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, रहता है वीडियो वगैरह देख ले अच्छा लगा तो लाइक वगैरह कर देना और ऐसे वीडियो को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आप लोगों से किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब रिवेरिया का पार्ट 2 में। तो तब तक के लिए बाय।